जैसा मैंने आपको बताया था मेरी YouTube वीडियो में, सबसे बड़ा जो बैरियर है वो है ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आई एम स्वाति, एंड अगर आप पहली बार मेरा चैनल विजिट कर रहे हो तो मैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। एंड आज की हॉल, जैसा आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, होने वाली है आजियो टॉप्स हॉल। एंड आई थिंक सभी के सभी अंडर 200 होने वाले हैं। सो या सरोजनी को टक्कर दे रही है आजियो। तो मैंने ड्यूरिंग सेल परचेज किए थे, तो ड्यूरिंग सेल काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला था। एंड फिर मैंने बल्क में परचेज किए तो अलग से कूपन कोड लग गया था, तो मैं स्क्रीनशॉट भी मेंशन कर दूंगी अगर आपको यकीन ना हो तो। अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, या फिर आपको मोडेस्ट टॉप पसंद है, यू नो क्रॉप टॉप या फिर ट्रेंडी जो टॉप्स चलते हैं वैसा, स्लीवलेस ऐसे कुछ पहनना पसंद नहीं है, काफ़ी मोडेस्ट टॉप डालना पसंद है, सो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये शर्ट। मैंने इतने सारे टॉप्स परचेज किए तो मेरे सामने ये भी आ गई थी, और ये भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर मिली थी। प्राइस यहाँ मेंशन कर दूंगी मैं, एंड साइड में ट्राई ऑन आप देख सकते हैं। एंड इसका फैब्रिक इज टू सॉफ्ट एंड काफ़ी अच्छी लेंथ आई है मुझे, एंड मैंने इसको स्मॉल साइज में परचेज किया है। एंड ऐसा कलर समर्स में काफ़ी परफेक्ट लगता है, यू नो येलो ब्लू कलर, पिंक कलर, सो दैट्स व्हाई आई परचेज दिस। एंड मुझे ये डालने के बाद काफ़ी प्रिटी लग रही है। एंड समर्स में शर्ट्स वगैरह कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है, सो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अदरवाइज ये टॉप हॉल है, ये सिर्फ मैंने एक ही शर्ट परचेज की एंड ये काफ़ी अच्छी निकली, तो मैंने सोचा आपको सजेस्ट कर देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप से। फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं सो ये प्रोडक्ट आपको काफ़ी पसंद आने वाला है, क्योंकि इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है एंड ऑल्सो फिट भी काफ़ी अच्छा है। लेट मी शो यू, विच इज दिस ब्लैक एंड व्हाइट कलर। लुक एट दिस कलर, कितना प्रीटी लग रहा है। एंड आप ऑब्वियसली देख सकते हैं ट्राई ऑन में कितना प्रीटी लगता है डालने के बाद। एंड बेस्ट पार्ट है इसका, इसमें आगे ये स्ट्रिंग दी गई है तो आप एडजस्ट कर सकते हो आगे से अपने अकॉर्डिंग। ये नेक के आगे जो नेक एरिया है वहाँ पे ये डिटेल दी गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो इसको, टाइट लूज कर सकते हो। टू वुड स्लीव पे इलास्टिक दिया गया है एज यू कैन सी। एंड इसका प्राइस मुझे पड़ा सिर्फ 109। एंड इसका फैब्रिक इज टू सॉफ्ट एंड ब्रेथेबल, समर्स के लिए परफेक्ट फैब्रिक है। एंड इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आपकी हाइट मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा तो भी आपको काफ़ी अच्छे से फिट आ जाएगा, एंड आप टक भी कर सकते हो। सो या फर्स्टली मैं आपको ट्राई ऑन में दिखाऊंगी विदाउट टकिंग कोई भी टॉप, एंड उसके बाद अगर मैं उसको टक कर सकती हूँ तो देन मैं उसको टक करके वो वाली टाई ऑन ऐड करूंगी, सो दैट आप देख सकते हो कि इसकी कितनी लेंथ आ रही है विदाउट टक किए। इसमें मैंने साइज परचेज किया है स्मॉल। हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, अगर ये स्टॉक में है तो जाके अब भी परचेज कर लो। नेक्स्ट टॉप भी अगेन, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, ऑफिस गोइंग गर्ल हैं, तो आपके लिए काफ़ी परफेक्ट होने वाला है, विच इज दिस। एंड इस पे नेक के अराउंड काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी दी गई है एज यू कैन सी, एंड थ्रेड का काफ़ी अच्छा वर्क दिया गया है। एंड स्लीव्स की भी काफ़ी अच्छी डिटेल्स दी गई है, रफल डिटेल्स दी गई है, बट अगर आप यू नो ऊपर हाथ करते हैं ऐसे तो ये स्लीवलेस सा ही हो जाता है, यहाँ से आर्म होल्स जो हैं वो यू नो विजिबल होते हैं अगर आप हाथ ऊपर करते हो, अदरवाइज इट लुक टू गुड। यहाँ तक इसकी स्लीव्स आती हैं एंड ये रफल डिटेल डालने के बाद ये काफ़ी प्रिटी लगता है। एंड इसका फैब्रिक भी अगेन काफ़ी सॉफ्ट है, समर्स में काफ़ी ब्रेथेबल होने वाला है। इसका ब्रांड है DNMX एंड साइज है स्मॉल एज यू कैन सी। एंड इसके पीछे से बिल्कुल प्लेन दिया गया है, आप देख सकते हैं फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है। इसका भी अगेन प्राइस मुझे पड़ा था अराउंड 100 या 120 के आसपास, सो दिस इज ऑल्सो एक ग्रेट ग्रेट टॉप, अगर आपको ऐसा कुछ पसंद है तो यू कैन परचेज दिस। नेक्स्ट टॉप इज टू प्रिटी, दिस इज इन द कलर पिंक, एंड पिंक कलर किसको पसंद नहीं है। बेस्ट पार्ट है इसका, इसका प्राइस था आई थिंक 220 या 200 के आसपास, ऐसा कुछ प्राइस था, बट इसमें अलग से आपको यू नो इनर सैंडो मिलता है एंड देन दिस टॉप मिलता है। इसका जो इनर का सैंडो है उसकी उसकी स्लीव्स यहाँ से आप देख सकते हो एडजस्टेबल दी गई है, डालने के बाद ये कलर काफी प्रिटी लगता है। एंड इसमें बैक साइड में ये डिटेल दी गई है, तो यू नो बटन दिया गया है, आप बंद कर सकते हैं। आगे इसके ये रफल डिटेल्स दी गई हैं एज यू कैन सी, यहाँ पे अप टू यू नो वेस्ट तक ये रफल डिटेल दी गई है। एंड देन दिस पेपलम टाइप का डिजाइन दिया गया है, एंड ऐसी स्लीव्स दी गई हैं, स्लीव्स में आगे ये
इलास्टिक दिया गया है तो काफी अच्छा फिट आता है। एंड ऐसे टॉप्स काफी प्रीटी लगते हैं अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, या फिर ऑफिस में भी कभी कभी यू नो छोटी सी गेट टुगेदर होती है उस टाइम पे ऐसे टॉप काफी प्रीटी लगते हैं। एंड इसे आप किसी भी कलर के साथ स्टाइल कर सकते हैं, बेज के साथ, ब्लैक के साथ, व्हाइट के साथ, काफी अच्छे लगने वाला है ये टॉप। सो हाईली रिकमेंडिंग दिस ऑल्सो। इसका फैब्रिक इज टू सॉफ्ट। अगर आप ये परचेज करने वाले हो ना तो यू विल डेफिनेटली गोना थैंक मी लेटर, क्योंकि इसका प्राइस एंड इसका फैब्रिक इज टॉप नॉच। एज यू कैन सी डालने के बाद ये काफी प्रीटी लगता है एंड इसका फैब्रिक स्ट्रेचेबल है एज यू कैन सी। एंड इसका प्राइसिंग 200 के आसपास था। इट्स नॉट टू चटक पिंक जो होता है ना, बिल्कुल आंखों में चुभता है, नियॉन पिंक वैसा नहीं है, काफी सटल सा पिंक कलर दिया गया है। सो या हाईली रेकमेंडिंग दिस टॉप आल्सो। सो नेक्स्ट आई हैव परचेज दिस टॉप। इसका प्रिंट ऐप पे मुझे काफी पसंद आ रहा था एंड मिलने के बाद भी काफी अच्छा लगा, बट इसका फैब्रिक बिल्कुल भी समर्स अप्रोप्रिएट नहीं है। क्रेप क्रेप जैसा फैब्रिक जो होता है ना वैसा फैब्रिक, अदरवाइज डालने के बाद लुक इसका काफी प्रिटी आ रहा था। तो अगर आपको ऐसा कोई इश्यू नहीं है फैब्रिक के साथ तो आप ये परचेज कर सकते हैं। ये टॉप देखने में काफी प्रीटी लगता है, स्लीव्स डिटेल्स वगैरह काफी अच्छी दिखी हैं एंड ये नेक का जो कटआउट है वो भी काफी अच्छा लगता है, बट इसका फैब्रिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट रेकमेंडिंग दिस टॉप टू यू। बट अगर आपको फैब्रिक से इतना कोई इश्यू नहीं है एंड यू नो अगर आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे मेरी है, अगर आपको स्वेट इतना नहीं आता एंड यू कैन वियर दिस फैब्रिक, सो यू कैन परचेज दिस। इसका प्राइस भी अराउंड 120 या 200 के आसपास था, तो प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट जो टॉप मैंने परचेज किया है इट्स टू प्रिटी, विच इज दिस फ्लोरल टॉप। एंड ये भी शेयर फैब्रिक है इसका, बट इसका फैब्रिक इतना सी थ्रू नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिप्स ऐड कर दूंगी जो आप देख सकते हैं। अगर आप न्यूड कलर के इसके अंदर इनर डालेंगे तो कुछ भी विजिबल नहीं होता है। आगे से इसका ओवल दिया गया है नेक लाइन एंड ये टॉपर डिटेल्स दी गई है। एंड देन दिस पैपलम टॉप दिया गया है, कुछ पिंक वाले जैसा ही इसका पैटर्न है, बट ये शीयर फैब्रिक इतना नहीं है जितना वो था, तो उसमें इनर फैब्रिक की जरूरत होगी अंदर से कुछ डालने के लिए, वो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, बट इसमें इतनी जरूरत नहीं है। इस पे काफी अच्छा प्रिंट दिया गया है एज यू कैन सी, ग्रीन, रेड, डार्क मरून कलर का। एंड इसका भी प्राइस अगेन 200 के आसपास था, विच इज टू गुड, सो यू कैन परचेज दिस। नेक्स्ट टॉप इज लाइक अ शॉर्ट कुर्ती, बट इसमें साइड से स्लिट नहीं दी गई है, बंद दिया गया है साइड में से बिल्कुल। एंड इसकी नेक लाइन कुछ ऐसी दी गई है एंड काफी सॉफ्ट फैब्रिक है। इसका फैब्रिक मुझे सब में से सबसे ज्यादा पसंद आया जितने भी मैंने टॉप दिखाए, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट एंड ब्रेथेबल फैब्रिक है। एंड इसकी स्लीव्स की लेंथ 3/4 दी गई है एंड नेक पे ये पैटर्न दिया गया है एंड लेंथ काफी अप्रोप्रिएट है। एंड जो यहाँ पे बॉर्डर है वो सेम नीचे इसके बॉटम में दिया गया है एंड बैक साइड में भी सेम वही प्रिंट है। एंड इसमें मैंने साइज परचेज किया है स्मॉल एंड मुझे काफी अच्छे से फिट आया ये। एंड इसका भी अगेन प्राइस 120 या 130 के आसपास था, विच इज टू गुड। तो अगर आप ऑफिस कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो उनके लिए टॉप काफी परफेक्ट होने वाला है। आप इसे ब्लैक के साथ स्टाइल कर सकते हैं, व्हाइट के साथ स्टाइल कर सकते हैं एंड डालने के बाद भी ये काफी प्रिटी लगता है। दिस इज अ स्टील डील, सो हाईली रिकमेंड दिस टॉप ऑल्सो इफ इन केस यू आर लुकिंग फॉर द सेम। ओके, लास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी हॉल इज दिस टॉप एंड ये काफी प्रिटी है वैसे देखने में, बट इसमें अगेन सेम इश्यू है जो मेरे साथ इससे पहले वाले में हुआ था। इसका भी फैब्रिक इज नॉट समर अप्रोप्रिएट। तो अगर आपको यू नो लुक के लिए ऐसा कोई टॉप चाहिए जो काफी अच्छा यू नो फ्लोरी हो, आप कभी पार्टीज वगैरह में डाल सकते हो, किसी की बर्थडे पार्टी वगैरह में, तब आप ये परचेज कर सकते हो। एंड इसकी जो नेक के आसपास इलास्टिक दिया गया है इज टू गुड, मतलब बिल्कुल ऐसा फिट आता है ना नेक के आसपास, आप इसे एज ए ऑफ शोल्डर भी डाल सकते हो, बट मैंने इसको नॉर्मल टॉप की तरह डाल के दिखाया तो आप देख सकते हैं। एंड इसके स्लीव्स में भी इलास्टिक दिया गया है एंड इसका वेस्ट के अराउंड भी इलास्टिक दिया गया है, बट वो लिटल बिट लूज था, अगर वो थोड़ा सा वो टाइट होता ना तो काफी अच्छी फिटिंग आती। एंड इसका भी प्राइस अगेन 120-130 के आसपास था। मुझे ये टॉप काफी पसंद आया, मतलब मैं डाल सकती हूँ, वो जो पहले वाला था वो बिल्कुल बेकार फैब्रिक था, बट इसका ओके ओके फैब्रिक है एंड क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है। सो हाईली रिकमेंड दिस टॉप ऑल्सो इन केस अगर आपको फ्लोरल टॉप पसंद है या फिर आप गोवा पे ऐसे कहीं जगह जा रहे हो जहाँ ऐसे टॉप काफी अच्छे लगते हैं तो आप ये परचेज कर सकते हो। एंड कॉलेज वगैरह में भी कभी कभी ऐसे टॉप डाल लेते हैं हम, तो मैं तो डाल लेती थी जब मैं कॉलेज में थी। सो या यू कैन परचेज दिस ऑल्सो।
दैट्स इट फ्रॉम टुडेज हॉल. आई होप आपको मेरी ये हॉल पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. एंड या अभी मैं इससे भी प्यारी प्यारी हॉल लेके आने वाली हूँ, एंड आई थिंक नेक्स्ट वीडियो मीशो हॉल होने वाली है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे आपको. बाय बाय.